वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे सब्सक्राइब करें अगर मैं आपको अच्छी लगूँ, मेरी ब्यूटी टिप्स अच्छी लगे, मेरी स्किन केयर आपको अच्छी लगे, होम रेमेडीज अच्छी, या फिर आपके दिल को मेरी कोई भी बात छू जाए, मेरा मेकअप अच्छा लग जाए, कुछ भी अच्छा लग जाए। भाई मेरा इतना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है और जो है तो वो इक्का दुक्का ही मुझे कमेंट करते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये भी नहीं पता कि कोई मेरी वीडियो देखता भी है कि नहीं देखता। और जहाँ तक फैमिली की बात है तो फैमिली में मेरी अम्मा मुझे देखती हैं और इसके अलावा जो रिलेटिव हैं जिनको पता है तो उनका कभी कमेंट आया नहीं, तो मुझे पता नहीं वो मुझे देखते हैं कि नहीं देखते, तो अदरवाइज़ मैंने किसी को बताया नहीं। तो आप लोग ही मेरी फैमिली हैं यहाँ पर, जो मेरी वीडियोस देखते हैं बिल्कुल अननोन लोग हैं जिनके साथ मैं कभी नहीं मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट करते हैं और एक फैमिली हमारी बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर मैं आपको अच्छी लगूँ, मेरी कोई बात अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे साथ साथ रहिए। आज की वीडियो है किस पर है? आज की वीडियो है बहुत आसान, रात के इस पहर जो मैं टूथब्रश करने के बाद जो करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं टूथब्रश करने के बाद क्या करती हूँ, हम किस तरह अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करेंगे, उसकी डेड स्किन हटाएंगे कि आपकी लिप्स पिंक पिंक से हो जाए। हम इस तरह का कॉटन पैड लेंगे और इसको मैं इस मैसेलर वाटर के साथ, ये गार्नियर का मैसेलर वाटर है, इसके साथ मैं इसको पहले हम अपने लिप्स से अपनी जितनी लिपस्टिक है सब कुछ उतार देंगे, मतलब जितनी मेरे लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई है उसको मैं उतार दूंगी। इसको मैंने वेट कर दिया अच्छे तरीके से। वेट करने के बाद हम इसको अपनी लिप्स फोल्ड करके जितनी रह गई है उसको भी मैं उतार लूंगी। इसको हम अगर इसमें मिंट फ्लेवर वाला जो है वो बहुत अच्छा है वो आप ले सकते हैं, इसको हम इस तरह अपने लिप्स पर लगा लेंगे पूरा। इसे आप अपनी बात करते हुए ये वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, अगर आप इसे अपने लिप्स पर लगाएंगे अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। आपने 10 मिनट्स तक इसको यूं ही छोड़ देना ड्राई होने के लिए, ठीक है? उफ भाई वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है ये लगा के। अगर आप अपनी डेड स्किन को हटाना चाहते हैं, जिन लोगों की इधर साइड से ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं लिप्स और जिनके मतलब टू टोन्स हो जाते हैं, तो उनके लिए ये वाला फार्मूला बहुत अच्छा है। आप इस तरह अपने लिप्स पर टू पेस्ट लगा लेंगे, अगर मिंट फ्लेवर वाली है तो थोड़ा सा फ्लेवर मज़े का होता तो इस तरह आप लगा लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें और 10 मिनट के बाद फिर मैं आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जलन भी हो रही है ना। तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके लिप्स का शेड चेंज हो चुका है, तो ये वाला आप अगर इस तरह करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे ऐसा ऐसा सिखाऊंगी कि आप लिप्स को किस तरह पिंक पिंक कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल घर की चीज़ों से, तो आपके लिप्स बिल्कुल आपकी वो ब्लैक
जो ब्लैकनेस है वो भी रिमूव हो जाएगी, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, जितनी आपके लिप्स की डेड स्किन होगी वो सारी निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो आप बहुत स्मूथली वो लिपस्टिक लगेगी, उसमें किसी किस्म के कोई क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। जैसे अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी ड्राई लिप, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ड्राई होती है और जब लिप्स पे लगती है तो वो मज़ीद ड्राई हो जाती है। तो उसको लगाने का एक तरीका है, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि आप उसको किस तरह अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कर सकते हैं और किस तरह लिपस्टिक लगा सकते हैं, तो ये ड्राई भी हो एक। जाए। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे और इसके बाद हम क्या लगाएंगे। तो मेरे साथ साथ रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे साथ साथ रहें, मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनकर रहें। तक ड्राई हो चुका है तो अब मैं इस तरह का ब्रश लूँगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ है। बिल्कुल आपने सॉफ्ट ब्रश लेना है जिसे आपकी मतलब लिप्स को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इस तरह आपने अपने लिप्स का क्लीन करके आती हूँ, फिर मैं आपको इसके बाद का रिजल्ट बताती हूँ। ये प्रोसीजर अच्छा बाद में बताती हूँ ना। तो ये हो गए, पता नहीं मेरे कैमरा में ये मेरे लिप्स ऑरेंज ऑरेंज क्यों लग रहे हैं जबकि ये पिंक पिंक है। आई रियली डोंट नो कौन सी किसी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये मेरे लिप्स आप लोग देख रहे होंगे इसमें ये अपनी शाइन है, ये पता नहीं क्यों लग रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, क्यों लग दिख रहे हैं भाई। अच्छा अब मैं यहाँ पर वेसलिन लूंगी और इसको मैं अपने लिप्स पे सिंपल मैं यही लगाऊंगी। पास कोई बाम है? मुझे बाम का समटाइम फ्लेवर नहीं अच्छा लगता तो मैं बाम नहीं लगाती हूँ, मतलब थोड़ा सा होता है। मुझे सबसे बेस्ट वैसलीन लगती है और मैं भर यही के लगाओ। लगाऊंगी। इस तरह भर भर के लगाएंगे आप और इसी में आप सो जाएंगे। नेक्स्ट डे अगर जिनके बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो वो हर 3 दिन के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं, जबकि जिनके मेरे जैसे लिप्स हैं तो उनके लिए हफ्ते में एक बार भी काफ़ी है। मतलब हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन करना ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अपने लिप्स को रगड़ नहीं सकते हैं मतलब, तो इसलिए कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक बार आप अपने स्किन की, अपने लिप्स की भी डेड स्किन को हटाएं।